तीन साल में मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावे पर पहला दाग, कैबिनेट के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार की वजह से गिरी गाज। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसी इसके रडार पर थे मंत्री, फोन पर हो रहा था टैप। कथित मंत्री का नाम, छापेमारी में पकड़े गए चार आरोपियों ने लिया मंत्री के साथ डील पर हो रही थी बात। सूत्रों के मुताबिक मामले से जुड़ी पूरी फाइल पीएमओ के पास, मंत्री को इस्तीफा देने के निर्देश। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर मंथन जारी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर कल रात बैठक। रविवार सुबह 10 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार, शामिल होंगे कुछ नए चेहरे, कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बदलने के कयास। मंत्री बनने की रेस में ओम माथुर और सत्यपाल सिंह शामिल, विनय सहस्रबुद्धे और प्रहलाद जोशी समेत पांच नेताओं के नाम पर मुहर के कयास। कैबिनेट फेरबदल से पहले कई मंत्रियों की छुट्टी, बंदारू दत्तात्रेय ने छोड़ी श्रम मंत्री की कुर्सी। राजीव प्रताप रूड़ी, फगन सिंह कुलस्ते और संजीव बालिया ने भी सौंपा इस्तीफा, कहा पार्टी आदेश पर लिया फैसला। उमा भारती पर गिरी गंगा प्रोजेक्ट में देरी की गाज, पीएम को सौंपा इस्तीफा लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है फैसला। मंत्रियों की लिस्ट राष्ट्रपति के पास, भेजे जाने से पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री की एक और मुलाकात। मथुरा में चल रही बैठक में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कैबिनेट में फेरबदल को लेकर आरएसएस से भी मशवरे की उम्मीद। आज आदित्यनाथ योगी भी संघ की बैठक में लेंगे हिस्सा, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के भी पहुंचने के कयास। 5 सितंबर को एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी भरेंगे पर्चा। गोहत्या और हिंसा से निपटने के लिए केंद्र का मास्टर प्लान, देश के 16 राज्यों में जिला स्तर पर बनेगी काउ सेंचुरी। बिहार में बाढ़ को लेकर सूबे के जल संसाधन मंत्री का अजीबोगरीब बयान, बोले चूहों ने तटबंधों को नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से आई आफत। वो लोग अनाज तटबंध पर ही मचान बना बना के रखते हैं, उसके कारण चूहा का बिल होता है और चूहा के बिल के कारण पाइपिंग होता है। हम लोग बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने भी चूहे वाली थ्योरी का लिया किया समर्थन, चूहों के बिल से बांध में सुराख का खतरा। तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर बड़ा हमला, मोदी के भाई ने कैसे कमाया 10,000 करोड़ का काला धन। तेजस्वी यादव का आरोप, 2005 में नीतीश कुमार सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद बड़े भाई रियल एस्टेट में निवेश, लेन देन के जांच की मांग। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, पंथर चौक पर पुलिस के वाहन पर दहशतगर्दों ने दागी गोलियां, एक पुलिसकर्मी शहीद, 8 घायल। गुड़गांव में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। यूपी के बरेली में बकरीद के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश, बड़े जानवरों और गौकशी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। संभल में भी एसडीएम राशिद अली ने थानों को भेजा फरमान, प्रतिबंधित पशु या किसी अन्य पशु की कुर्बानी दी गई तो उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर बड़ा घोटाला, शौच मुक्त गांव के किसी घर में नहीं बना शौचालय।